इमाम ज़ैनुल आबिदीन हर रात के अंधेरे में अनाज की बोरियां और खाना कंधों पे कमर पे रखकर रात को निकलते, लोगों के घर दे आते, पुश्त पर सारी उम्र करते करते निशान पड़ गए थे। किसी को पता नहीं था, घर वालों को भी, कि ये ज़ैनुल आबिदीन दे जाते हैं मदीना के गरीबों को रात को खाना और अनाज। जब आपकी वफात हो गई, मालूम नहीं था उम्र पर वफात हो गई, तो अगली रात उन सब घरों में खाना नहीं पहुंचा। लोग तब समझे कि वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे। और जब गुस्ल के लिए आपके कपड़े उतारे तो बोरियों के निशान थे। लोगों, हम तो उनके मानने वाले हैं। इन यतीमों, गरीबों, बेवाओं, मजलूमों, भूखों, प्यासों का जिम्मेदार कौन है? आप मुझे कहते हैं जमहूरियत चलने दो? लानत है ऐसी जमहूरियत पर जिसमें तुम खाओ और करोड़ों भूखे सोए। लानत है ऐसे कानून पर तुम मोहल्लात में रहो और गरीबों के मोहल्ले उजड़े रहे। तुम अय्याशियां करो और गरीबों को पीने का सुथरा पानी न मिले। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु रात को गलियों में घूमते थे कि कहीं मदीना की गलियों में और इस्लामी रियासत में कोई भूखा तो नहीं। रात का वक्त था, एक दरवाजे के करीब से गुजरे, बच्चों के रोने की आवाज आई, चीख रहे थे, दरवाजा खटखटाया, अंदर चले गए, लिबास बदला हुआ था, खातून पहचान नहीं सकी। पूछा, खातून ये बच्चे क्यों रोते? उन्होंने कहा, तीन दिन से भूखे, इनको खाना नहीं मिला। वो चूल्हे पे बैठी थी हंडिया थी, हंडिया, तो पूछा, तुम क्या कर रही हो? हंडिया तो पका रही हो। उसने ढकना हटा दिया, कहा, अल्लाह के बंदे, बच्चों को बहलाने के लिए खाली पानी पका रही हो ताकि ये समझे कि हंडिया पक रही है। रो रो के निढाल हो के सो जाएंगे, मैं भी सो जाऊंगी। आप तड़प उठे, रो पड़े, घर गए, अनाज अपनी कंधों पे उठाया। गुलाम ने कहा, मैं ले जाता हूं। फरमाया, नहीं, ये उम्र की रियाया है। बोरी अनाज की कंधों पे रखी, खाने का सामान उठाया, गुलाम को कहा, मुझे कोड़े मार के ले चलो। घर जाके दिया, खाना दिया, अनाज दिया, बच्चों को खिलाया पिलाया, चलने लगे तो खातून ने दामन पकड़ लिया। पूछा, अल्लाह के बंदे, बता तो जा, तू है कौन, है कौन? फरमाने लगे, मैं वही हूं जो तुम्हारा मुजरिम था, जिसकी जिम्मेदारी थी कि तुझे और तेरे बच्चों को खाना मिलता। वो नहीं समझी, कौन हो? कहा, मैं उमर फारूक। उमर, 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 उमर।